नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट 2022 के लिए। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस चुनावी दंगल में सब अपने अपने मुद्दे लेकर कूद पड़े हैं, लेकिन जनता की आवाज कौन बन रहा है ये बात बड़ी है। किसी को आम से दिलचस्पी है तो ये मुद्दा है, किस धर्म से डिप्टी सीएम अगली बार बनेंगे ये मुद्दा है, कौन किस भगवान की कितनी बड़ी मूर्ति लगवाएगा ये मुद्दा है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा, ये मुद्दे शायद राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। आम जनता इसी सरकार में उम्मीद ढूंढे या फिर किसी और राजनीतिक दल में, ये जनता को भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीतिक दल जनता की नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं या फिर पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल ही है 2022 के चुनाव में मुद्दा ना बन जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों राजनीतिक दलों को जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही जाति दिखाई देने लग जाती है। बातें विकास की होती हैं लेकिन कदम जातियों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या जाति बेड़ा पार लगाएगी या फिर आज जनता जागरूक हो चुकी है और उन्हें मतलब है अपनी जमीनी मुद्दों से। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भले ही कई मुद्दे हों लेकिन शायद राजनीतिक दलों को ये मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर शायद वो इन मुद्दों को देखना ही नहीं चाहते हैं। बीजेपी को राहुल गांधी के स्वाद पर आपत्ति है तो AIMIM को मुस्लिम डिप्टी सीएम चाहिए। समाजवादी पार्टी को भगवान परशुराम की बड़ी सी मूर्ति बनवानी है तो बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों का वोट चाहिए, इसलिए वो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है। राजनीतिक दलों को किसी भी कीमत पर वोट चाहिए लेकिन वो मुद्दों की बात नहीं करना चाहते हैं। टूटी सड़कें, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, प्रति व्यक्ति आय का कम होना, कोरोना से टूटती स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दे सरकार और अन्य राजनीतिक दलों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों से हटकर वो बातें जिनका विकास कार्यों से दूर दूर तक सरोकार नहीं है उसमें नमक मिर्च लगाकर जनता के सामने बढ़िया से पेश किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है लेकिन राजनीतिक दल अपनी तैयारी मुद्दों से इतर कर रहे हैं। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद से ही ये कहा गया कि यूपी की सड़कें अब गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अगले चुनाव का समय करीब आ रहा है और टूटी सड़कें अभी भी जस की तस हैं। बारिश में सड़कों का हाल बेहाल है। अन्य जिलों की तो बात ही छोड़े, राजधानी लखनऊ की सड़कों की हालत जर्जर है, जगह जगह पर गड्ढे हैं। ना तो ये सरकार को दिखाई दे रहा है और ना ही विपक्ष की नजर इस पर जा रही है। कैसे यूपी में बेहतर होगी शिक्षा व्यवस्था, कैसे यूपी में बेहतर होंगी सड़कें, कैसे यूपी में बेहतर होगी चिकित्सा व्यवस्था, कैसे बढ़ेगी आम आदमी की कमाई, कैसे कम होगी बढ़ती महंगाई, कैसे रुकेगा अपराध, कैसे सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था, ये कुछ सवाल हैं जो आम आदमी के जहन में तो आते हैं लेकिन राजनीतिक दलों का ध्यान इन मुद्दों पर नहीं जा रहा है। वो जाति और धर्म की राजनीति में उलझे हैं और शायद यही चीज उनको सत्ता भी दिला सकती है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट प्राइम टीवी। हालांकि लगता ऐसा है कि 2022 के आगामी चुनाव में शिक्षा का मुद्दा, सड़कें बनवाने का मुद्दा, बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा, ये मुद्दे तो आम हो चुके हैं। अब लगता है जाति ही विशेष रह गई है, इसीलिए जो तमाम पार्टियां हैं उनका ध्यान जाति पर है और क्या करें, जनता भी बेचारी कहां जाए, इसलिए जनता का भी ध्यान विकास के मुद्दों पर ना जाकर इन्हीं में बहक जाता है कि क्या हमारी पार्टी के लोगों के लिए या हमारे समुदाय के लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। एकजुट होना पड़ेगा तभी शायद तक समाधान निकलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सपा नेता कपिल श्रीवास्तव जी मौजूद है, साथ ही साथ बीजेपी नेता हमारे साथ अश्वनी शाही जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अश्वनी जी, सबसे पहले मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, लगता ऐसा है कि जिस तरह से 2022 के चुनाव है कि जो विकास के मुद्दे हैं, जिसका नारा आप लोग देखते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो जो विकास के मुद्दे हैं वो भी आप भूल गए हैं, आम में दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर चलती है, ये हमारा मूल मंत्र है।
सेवा भाव और सम्मान हमारा हमारी निधि है, समर्पण हमारी निधि है, इसको लेकर हम चलते हैं और इसको छोड़ा नहीं है हमने, इसको कहीं न छोड़े थे न छोड़ेंगे, न आगे आने वाले दिनों में हमको ये सीखता रहेगा आपको, ये हमारे जड़ में है। हम लोग कहीं किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं कीर्ति जी, ये कयास लगाना अलग बात है, हमको अगर हम एक जाति की बात करते तो हम 300 से ऊपर सीट ना पाते, और हमको 300 सीटों का जो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने दिया है कीर्ति जी, वो हमको न मिलता, तो सबका उसमें, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी पंथों का हमको उसमें वोट मिला है, और वो अभी भी कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये जो प्रदेश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, उसमें अभी जनता का आशीर्वाद हमको आगे आने वाले चुनाव में फिर से मिलेगा, और हम फिर 300 का वो आंकड़ा जो है उस रिकॉर्ड को हम फिर तोड़ने जा रहे हैं। आप बात कह रहे हैं कि किसी एक जाति पर नहीं, किसी एक जाति पर रहकर तो चुनाव जीता भी नहीं जा सकता, तो इसलिए मुश्किलें बढ़ जाती है कि एक जाति पर रहकर ही आप चुनाव लड़े, लेकिन हालांकि साधने की कोशिश तो हो रही है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है, लेकिन आम में दिलचस्पी इतनी कैसे बढ़ गई सीएम योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया इस चीज में, आम की दिलचस्पी राहुल गांधी जी के बयान पर। देखिए अब ट्वीट कर, देखिए ये तो राजनीतिक जो है उत्तर प्रत्युत्तर सवाल जवाब ये दौर तो चलता रहेगा, उससे किसी में किसी की दिलचस्पी बढ़ गई, किसी की नहीं बढ़ी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी दिन भर ट्वीट करते रहते तो उनका जवाब ट्वीट से देना पड़ता है, क्योंकि वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। मायावती जी ट्विटर पे ही खेलती रहती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो भी बाहर नहीं आती है। अखिलेश यादव जी बाहर नहीं आते हैं, वो पता नहीं कहां से एक दिन के लिए निकल गए थे रथ लेकर, नहीं तो वो भी घरों में बैठे रहते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो कि आप आज के लिए जनता के सामने, जनता के लिए खड़ी है इस कोरोना काल में, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ और सब लोग, आज हम जनता के लिए खड़े हैं, तो हमको सबका वोट मिला है। इसका चुनाव इसीलिए अहम हो जाता है अश्विनी शाही जी, क्योंकि जवाब ट्विटर का ट्वीट के जरिए ही देना अहम है कि अगर राहुल गांधी को कौन से आम में दिलचस्पी है तो उसको लेकर आपका ट्वीट अहम बनता है। हालांकि हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो जिस तरह से दिलचस्पी अश्विनी जी आपकी दिखाई पड़ रही है वो किसी और ही और इशारा कर रही है, मैं आऊंगी आप पर, लेकिन कपिश जी मैं आप पर आना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, अब तो डेप्यूटी सीएम अगली बार आपकी पार्टी का कौन होगा इस पर भी चर्चा होने लगी है, तो क्या डेप्यूटी सीएम पर मुस्लिम होने पर विचार कर रहे हैं, गठबंधन की ओर जा रहे हैं क्या? देखिए हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति का जवाब नहीं देते, और तीसरी चीज ये है कि हमारे जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, मिल बैठ करके चुनाव के बाद सारी सहमतियां बनती हैं कि कौन विधायक दल का नेता होगा और कौन आगे क्या बनेगा, क्या कौन मंत्री होगा, पहले तो सरकार में हमें आना पड़ेगा उसके लिए। और कवरेज बावेला जो है ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, अन्य किसी पार्टियों में होता होगा, और हम ये बात सीधे कहते हैं कि हम काम बोलता है के नाम पर चुनाव लड़े थे, हम काम बोलता है के नाम के चुनाव लड़ेंगे, और इतना जरूर है कि हम 2012 से 2017 के बीच में जो हमने विकास परक सरकार चलाई और जिस सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को आज भारतीय जनता पार्टी अपना बनाने का काम करती है, हम उसकी पोल खोलने का भी काम करेंगे, हम इनके संकल्प पत्र को उठाएंगे और 1 से लेकर 100 तक के वादे गिना देंगे कि इन्होंने एक भी नहीं पूरे किए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि राम राज्य की सरकार चलाने वाले सबके सामने आएंगे कि किसने कौन सा वादा किया था अपनी सरकार में और कितने वादे पूरे हुए, वो तो आएंगे, लेकिन AIIMIM के प्रमुख ओवैसी जी ने आपको खुला ऑफर दिया है कि आप साथ में आ जाइए तो शायद तक मुसलमानों का जो वोट कटने की आशंका पैदा हो रही है वो ना हो, लेकिन शर्त रख दी है उन्होंने, उस शर्त पे क्या बात है आपकी, क्या उस पर विचार कर रहे हैं आप लोग? जी मेन चीज ये है कि देखिए ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के लिए 0.2% वोट के कारक, और हैदराबाद में ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए, वहां पे बढ़ाने का काम ओवैसी जी ने किया है, और बाकी साक्षी जी महाराज ने तो साफ बता दिया सारी चीजें, धन्यवाद भी दे दिया, और जो जिस तरीके से इन लोगों की नूरा कुश्ती चली है बिहार के अंदर, जो परिणाम आए बंगाल के अंदर तो चल नहीं पाई, अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी चलाना चाहते। हम तो एक बात ये कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के अंदर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमारी पार्टी अपने वक्त काल पे फैसला लेगी, हमारी पार्टी का फैसला
हमारी पार्टी का फैसला और हम लोग किसी और को देख के नहीं लेते हैं, ना किसी के बोल वचन को सुन करके लेते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को तो धतार बताते हैं सीधी सीधी बात, जो कहीं ना कहीं से किसी एक टीम की बी टीम बनकर के खड़ा हो और प्रश्न उसके कहने हो। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, सियासत के अंदर 0.2% वाला शर्त को नहीं मानेंगे, यानी उनकी शर्त ही नहीं है ना। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हमने ये पहले ही कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, उनको हम पार्टी के अंदर उनकी अगर वो हमारी विचारधारा में अपनी आस्था जताते हैं, हमारे नेतृत्व में जताते हैं, हमारे पूर्ववर्ती कार्य में जताते हैं, और बिना किसी शर्त के साथ अगर वो छोटे दल हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम। लेकिन शर्त कोई नहीं, अगर शर्त लगा के आ रहा है तो अपनी इच्छा से आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन शर्त किसी की नहीं मानी जाएगी, क्या ऐसा कोई है? बिल्कुल बिल्कुल, शर्त हम यानी कि डर नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी आपके मुस्लिम वोटर्स को काट सकते हैं, ये डर नहीं है? छद्म आवरण लेकर के कोई कब तक किसी को बनाएगा? वो तो साक्षी महाराज ने सारी चीजें कह दी, आप मीडिया जगत के लोग हैं, मीडिया जगत सारी चीजें देख रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि हम अगर अपनी सरकार बनाएंगे तो हमारी सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी मुख्यमंत्री बनेगा, इसका आईना कोई बाहर की पार्टी तो नहीं बताएगी? क्या हम बताते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को? हम भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं क्या कि वो अपने किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति को जो है वो प्रधानमंत्री बना? नहीं नहीं, बता तो आपको भी कोई नहीं रहा, लेकिन आपके पास तो शर्त रख दी गई है ना कि अगर आप बना लेंगे तो शायद आपके जो मुस्लिम वोटर्स कटने वाले हैं वो बच जाए। नहीं नहीं, जब हम लोग डे ऑफ फर्स्ट से इस बात को कहते रहे हैं कि बिला शर्त जो छोटे दल अगर लगता है कि हमारे नेता में, हमारी नीति में, हमारी पार्टी की विचारधारा में, और साथ साथ में हमने जो 2012 से 17 के साथ जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो, उन संकल्प पत्रों के वादों पर भी मैं आऊंगी कि कौन से वादे किए गए थे और कब से कितने पूरे किए गए। लेकिन अगर उसके प्रति शर्त लगा करके आते हैं तो वो जाने और उनका काम जाने, शर्त वालों के साथ हमारे कोई गठबंधन नहीं होगा। संकल्प पत्र में आपके वादे कितने थे और आपकी सत्ता में कितने पूरे हुए, मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि विकास आज का बड़ा मुद्दा है। नारे तो हर पार्टी लगाती है कि हम विकास की बात करें, लेकिन चुनाव आते ही जाति पर चली जाती है और साथ ही साथ कौन डिप्यूटी सीएम होगा कौन नहीं इस पर आ जाता है। जनार्दन जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। आपने तमाम जो 2022 के चुनाव में इस वक्त जो चुनावी सरगर्मियां चल रही है उसको लेकर आपने स्टडी जरूर करी होगी और आपको पता भी होगा पिछले चुनाव के इस बार में क्या अलग देख पा रहे हैं, क्योंकि आम में दिलचस्पी बढ़ गई है डिप्यूटी सीएम बनाने की शर्तें जो है, क्योंकि छोटे दलों का प्रभाव जो है इस बार चुनाव में जनार्दन जी आपको भी दिख रहा है कि काफी ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं वो पार्टियों से। देखिए, छोटे दलों को मिलाकर भाजपा के विरोध में संगठन खड़ा करना ये एक स्ट्रेटजी रही है अपोजिशन पार्टीज की और उसी पर अभी काम हो रहा है, लेकिन ये दल संगठित हों ये भी एक बहुत बड़ी कवायद है। और इसमें जब जैसा हमारे साथ में सपा के प्रवक्ता जी भी हैं, परिवार में ही जब थोड़ी सी फूट है वो नहीं बन पा रही है तो बाहर के लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। जहाँ तक बात होती है ओवैसी की, जो हैदराबाद में जिन्होंने अपना बिगुल बजाया, उसके बाद यहाँ बिहार में उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया और यूपी के ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से अपोजिशन पार्टीज के लिए खतरा ज़रूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। और बिहार में भी अगर जैसा अभी सपा प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि उन्होंने भाजपा को बढ़ाने का काम किया, तो जाहिर सी बात है कि वो विपक्षी पार्टियों के लिए खतरा बनेंगे। भाजपा का बढ़ने का मतलब है कि विपक्षी पार्टी जितनी भी हैं उनका कहीं ना कहीं से वोट कटेगा, तो वही काम अगर ओवैसी जी यहाँ करेंगे तो भी इनके लिए एक बड़ी खतरा बनता चला जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी देखिए कि छोटे छोटे दलों को मिलाना ओवैसी ने अभी से शुरू कर दिया है, एक भागीदारी मोर्चा को लेकर वो साथ चल रहे हैं जिसमें राजभर भी साथ में है और भी भाजपा विरोधी नेताओं को और भी पार्टी से टूटे हुए नेताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंथन जरूर करना पड़ेगा जो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं कि कैसे इन छोटे दलों को एक साथ एक नाव में रखना है, तभी एक तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि भाजपा के लिए फिर कहीं ये एक प्लस पॉइंट ना हो जाए, क्योंकि जनार्दन जी हमेशा देखा है कि ओवैसी जहां पर भी चुनाव लड़ने आते हैं वो भाजपा को ही कहीं ना कहीं अच्छा उनके लिए हो जाता है, वोट बैंक उनका और मजबूत हो जाता है, विपक्षियों के लिए वो मुसलमानों का वोट बैंक हमेशा काटते चले आए। और इस बार भी शर्त भी उसी के उन्होंने दम पर रखा है कि अगर आप हमें साथ में ले लेंगे, अगर बसपा सपा हमें साथ में लेती है तो शायद तक हम अपने वोटर्स को जोड़ के उन्हें
थोड़ा सा जीत की ओर आगे बढ़ा दे, ये उन्होंने एक थीम बनाई है। लेकिन शर्त मानने के लिए कपिश जी तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अपने इच्छा से कोई आता है तो ठीक है, लेकिन शर्त लेके भैया कोई ना आए, हम शर्त नहीं मान रहे हैं। लेकिन बात यहां पर हो रही है कि चुनाव आते ही जो मुद्दे घूम जाते हैं, भटक जाते हैं, जो मुद्दों का वादा करके सत्ता में आई होती है सरकार, उन मुद्दों से क्यों गुम हो जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अश्वनी जी, लगातार आप कह रहे हैं हम विकास की ओर अग्रसर है, आज भी सड़कें उसी ही बदहाली की ओर आपको इशारा कर रही होंगी, जैसे ही आप देख रहे होंगे चुनाव आए थे, सत्ता में आए, आपने बोला गड्ढे मुक्त हो जाएंगे पूरा लखनऊ की सड़कें, लेकिन आज तक वो गड्ढा मुक्त नहीं हुई है सड़कें। क्यों उत्तर प्रदेश की सड़कें आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई, ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त है, किसने कहा कि गड्ढा मुक्त नहीं है? वो बारिश है, बारिश के दिनों में कहीं कुछ सड़कें अगर गड़बड़ हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सड़कें गड्ढा मुक्त है। या तो शायद आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आप उतरे नहीं है, या आप कहीं और ही रहते हैं कि मुझे बताना पड़ेगा आपको कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं है। तो मुझे भी सुनना नहीं पड़ेगा कीर्ति जी कि उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ मैं, और उत्तर प्रदेश में मैं रोज चलता भी हूँ। तो आपने लखनऊ की सड़कें देखी होंगी, 100-150 किलोमीटर चलने का हम लोगों का एक नॉर्मल तरीके से हम लोग चलते भी हैं। मैंने कहा कि कुछ सड़कें वो एक रूटीन होता है, सड़कों में साल भर बाद रिपेयरिंग होती है, और बरसात के दिनों में जहाँ वाटर लॉगिंग वगैरह होता है वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप चले भी हैं, आप हजरतगंज से दालीगंज की ओर बढ़े भी होंगे, आपने चारबाग की सड़कों का हाल भी देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो हाल क्या आप उस ओर नहीं गए? सड़कें ऐसी थी, कितने दिनों से ऐसी है ये बता दिए, साल दो साल साढ़े चार साल से ऐसी थी सड़क, वो इसका भी जवाब मुझे दिया पड़ी है। अश्वनी जी, सड़कें साढ़े चार साल उस सरकार के आज हो गए भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो सड़कें साढ़े चार साल से वैसी बदहाल थी या है, या आने वाले छह महीने बाद फिर से आप एक डिबेट रख लीजिएगा इस पर और फिर उन सड़कों को दिखा दीजिएगा। दो साल से खुदी पड़ी है अश्वनी जी, तभी मैं सवाल कर रही हूँ, शायद तक आपको मालूम होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो सड़कें खुदी पड़ी है उसके बारे में आपने रिपोर्टर भेजी, आप लोगों से कुछ नहीं छुपा हुआ है, वो किन कारणों से खुदी है, वो किन कारणों से खोदी जाती है, क्या वहाँ पर बिछ रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, ये सब चीजों का पता लगाइए। अश्वनी जी, आप एक काम करिए ना, आप मुझे बता दीजिए आप कौन से दिन फ्री हैं, मैं आपको ले चलती हूँ, आपको दिखा लाती हूँ, रिपोर्टर्स भेज के जब हम आते हैं तभी हम आपको बताते हैं कि इस तरह की सड़कों का क्या हाल है जिसपे गड्ढा मुक्त बात की गई थी। एकदम उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त है, और गड्ढे पर जो है कहीं कोई आगे आने वाले बरसात बीत जाने दीजिए, 15 सितंबर के बाद देखिए फिर से काम चालू हो जाएगा। ये तो वही हाल हो गया ना कि प्रकृति पर हमारा जोर नहीं, अब गड्ढे हो जाते हैं तो क्या करें। जनार्दन जी, आपको क्या लगता है जो ये बातें कह रहे हैं कि गड्ढा, एक मिनट में पूछ लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, आपने बोला आप अपने पत्रकार भेजिए, अश्वनी जी आपने बोला पत्रकार भेजिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, वो भी लखनऊ से ही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और सबसे अहम मानी जाती है कि देखते हैं यहाँ पर कितने गड्ढे हैं और आपने कितने गड्ढों को पाट दिया इन चार सालों में। जनार्दन जी, क्या जवाब है आपका? चार सालों से गड्ढे हैं। नहीं कीर्ति जी, मुझे लगता है कि ये अभी जो बड़ा मुद्दा है वो सड़क के गड्ढों से ज्यादा भ्रष्टाचार और जो आतंक मुक्त जो सरकार देने का वादा किया गया था उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आपने देखा कि भ्रष्टाचार को लेकर अभी विपक्षी पार्टियां भी हमलावर होती जा रही हैं। शिवपाल यादव ने अभी परसों ही इटावा में ये चीज बोली कि भाजपा सरकार में भी कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं हो रहा है और सिर्फ रेट बढ़ गए हैं। तो भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगाने की बात कही गई थी वो उसी का एक हिस्सा शायद ये सड़क व्यवस्था और ये जो आपकी व्यवस्थाएं खराब होती वो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक ऊपर के स्तर पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी नज़र हम लोग नीचे तक महसूस करते हैं। और दूसरा, जो आतंक को रोकने का बात की गई, एक अच्छी रणनीति बनाई गई जिसपे एक कार्रवाई भी की गई अपराधियों पर, बड़े अपराधियों को इनकाउंटर भी किया गया, लेकिन अभी भी वो एक जो इकबाल पुलिस का है उसको कायम करने में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है और उसको लेकर जनता भी परेशान है। आप लखनऊ की स्थिति देख लीजिए, कहीं पूरी तरीके से आप इसको मुक्त, अपराध मुक्त नहीं कह सकते हैं, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, एकदम प्राइम चौराहे पे गोली मारकर किसी को वो कर दिया जाता है और लंबी फिर जांच फिर उस पर चालू हो जाती है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है और भाजपा को इसके लिए अपने अपनी तैयारियां रखनी चाहिए। नहीं, जनार्दन जी, क्या आपको लगता है गड्ढा मुक्त हो गए हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कें, खास करके राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें? देखिए, ये तो एक बड़ी डिबेट है, हम लोग कहेंगे जरूर, क्योंकि हम लोग रोज निकल के आते हैं, अभी भी मैं जहां से आया हूं वहां पर भी काफी मिले हैं और उनका कहना होगा कि ये बरसात में हो जाते हैं।
तो वही मैंने कहा कि ये मुद्दा यही है जनार्दन जी, बस मुद्दा यही है। आपने जो मुद्दे बोले ना, वो तमाम मुद्दे इन्हीं चीजों से जुड़ जाते हैं, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से, स्वास्थ्य सेवाओं से, कि क्या आप वो स्वास्थ्य सेवाएं जनता को दे पा रहे। क्योंकि विकास की बात हर पार्टी करती है कि हम अपने घोषणा पत्र में ये तमाम चीजें लेके आए, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में विराजमान होते हैं तो ये विकास कहां चला जाता है, किस ठंडे बस्ते में जाके छुप जाता है, ये नहीं समझ में आता है। अश्वनी जी आपने कुछ सुन लिया, वो भी वहीं से चल के आए, उसी रोड से चल के आए, मैं भी आए दिन इन्हीं रोडों पर चलती हूँ। क्या मैं जवाब मेरा सुनना पसंद करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप जो है बार बार कह रही है, चार साल से गड्ढा युक्त है, गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, गड्ढे हैं। कीर्ति जी थोड़ा सा एक उस पर ध्यान दीजिए और हर महीने का एक बाइट बनाकर चला लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितने गड्ढे हैं। बरसात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बरसात में गड्ढे होते हैं, 15 सितंबर के बाद कोई गड्ढा नहीं दिखेगा आपको। और अभी कल ही हमारे माननीय मंत्री जी ने, अरे सुने, आप ये वादा कर रहे हैं अश्वनी जी? कीर्ति जी आप विपक्ष की प्रवक्ता है या जो है एंकर है? विपक्ष की प्रवक्ता नहीं हूँ अश्वनी जी, माफ कीजिएगा, मुझे एक अपना प्रश्न पूरा तो करने दीजिए। विपक्ष का प्रवक्ता नहीं हो जाता है? देखिए कुछ आप लोगों को ऐसा आजकल एक नई बीमारी आ गई है, जितने एंकर है उसमें मैक्सिमम लोगों को बीच में जो है सत्ता को चाहे किसी को दबाने की बात हो रही, मेरी पूरी बात अगर आप सुन नहीं रही है, और मैं इस पर कई बार आपसे कह चुका हूँ, कीर्ति जी थोड़ा सा धीरज रखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब आप कहेंगे जितने सेकंड कहेंगे उतने सेकंड बोलूंगा। लेकिन जो है एक सवाल करिए, बीच में अगर पूरा नहीं होता है तो आपका अनर्थ निकलता है और आप तुरंत दूसरा सवाल चालू करती हैं। आप बोल लीजिए, मैं ध्यान से सुनूंगा, भरपूर आपको समय दूंगी, आज आप ही बोलिएगा, आज आपकी सारी बातें मैं सुनूंगी, मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए अश्वनी जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको समय देने वाली हूँ। अपराधी आज अपराध हो रहे हैं, सारा भ्रष्टाचार यही है योगी सरकार में, स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा खराब है, आप बोलिए मैं सुनता हूँ। देखिए अश्वनी जी मेरी बात सुनिए, सत्ता में कौन, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक लास्ट आपको बोल रही हूँ, उसके बाद आराम से आप सफाई दीजिएगा, क्योंकि सफाइयों की फेरिस्त जो होती है ना वो आपको देनी आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप प्रवक्ता है और मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, तो मेरा सवाल पूछने का दायित्व है और मैं सच्चाई से सवाल पूछ रही हूँ, जो मैं देखती हूँ मैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ। तो मैं बोलूंगा सफाई सुनने की, अगर तीन तरफ से मेरे पास सवाल होंगे तो सत्ता में मैं हूँ, जवाब देना मेरा काम है, और जवाब अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो जनता में भ्रम फैलेगा, तो हम मैं कहूंगा कि विरोधी दल के साथ आप लोग भी भ्रम फैलाने बैठे हैं, या तो मेरा जवाब सुना जाए पूरा। आप बार बार कह रही हैं कि साढ़े चार साल से गड्ढे हैं, साढ़े चार साल से गड्ढे हैं, अरे वाह, मैं कह रहा हूं कि जो बरसात आती है तो हर साल कोई सरकार हो या कपिल जी बैठे हैं बता दें कि बरसात में गड्ढे नहीं होते हैं। दो चीज होता है, एक रूटीन होता है, साल डेढ़ साल छह महीना उसका रूटीन होता है, उसमें उसकी रिपेयरिंग होती है, उसकी दोबारा उसकी लेयर कोटिंग की जाती है, वो होता है। हाँ अगर कोई टेलीफोन का तार जा रहा है, पीएनजी जा रहा है, कोई और वायर जा रहा है, तो रोड भी खोदा जाता है, और बिना अनऑथराइज, मैं भी एक आम नागरिक हूं, मैं भी अपनी बात कह रहा हूं, अपनी बिल्डिंग के सामने मैं भी पाइप डालने के लिए गड्ढा खोद के छोड़ देता हूं, वो पड़ा रहता है, जबकि चाहिए कि सरकार को उस पर फाइन करना चाहिए, लेकिन हर आम नागरिक यही करता है, बिना परमिशन लिए खोद देता है गड्ढा, ये सरकारों का दोष नहीं होता है। और गड्ढे पर आप बात करेंगी तो जो है कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में झांसी से लेकर जो है सोनभद्र या देवरिया तक सड़कें चमचम चमचम करा दिया है, कहीं ना कहीं वो एक टेन्योर होता है, रिपेयरिंग का वो होता है। आप दूसरे मुद्दों पर बात कीजिए, शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य में आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, स्वास्थ्य में बेहतर हम लोगों ने स्थिति का कायम किया है, और कोरोना काल जो 100 साल के बाद ऐसी भयावह स्थिति आई थी उसमें आज हमको विश्व के लोगों ने कहा कि योगी मॉडल बहुत बेहतर मॉडल रहा है, रिकॉर्ड हमने टेस्ट किया, रिकॉर्ड हमने टीका लगाया, सब चीज हम बेहतर कर रहे हैं, हम करने अभी भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन सुधार की तरफ है। और जनार्दन जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो संगठित अपराध है, एक दो घटनाएं हुई हैं उसको मैं मान रहा हूं, लेकिन पूरा अब बताइए जो बड़े बड़े अपराधी हैं आज कहां हैं, या तो जेलों में है या मार दिए गए हैं, 47,000 लोगों पर गैंगस्टर लगा है वो बंद है। कपिल भाई हमारे वकील भी हैं। जी जी देखिए अब जनार्दन जी से भी मैं जवाब नहीं लूंगी, खुद भी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर हम लोग जवाब देंगे ना तो हम प्रवक्ता बन जाएंगे, दिक्कत यहां जाती है, तो प्रवक्ता से ही पूछ लेते हैं जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। कपिश जी भ्रम फैलाते हैं आप लोग, सड़कें बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ए नंबर चल रही है उत्तर प्रदेश में।
देखिए कीर्ति जी, बहुत सीधी सी बात यह है कि हमारे शाही जी भी सब कुछ जानते हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं तो क्या कहेंगे कि हमने कभी रोडे नहीं बनवाई। तो वो अपनी बचत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 6 महीने में ही योगी सरकार ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की स्थापना कर देंगे। आज तो मैं उनकी कर्म भूमि से जुड़ा हुआ हूँ, और ये हमारे जो मित्र हैं ये भी देवरिया के जुड़े हुए हैं। गोरखपुर से देवरिया केवल 50 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में एक दो रोड नहीं, कम से कम 20 रोड गड्ढे में है। और आप इसका उत्तरांचल इलाका देख लीजिए, जो गणेशपुरम इलाका है, राप्ती नगर इलाका है, टोटल इसमें नदी बह रही है, लोग नाव से चल रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देता हूं गणेशपुरम की। इसी जगह का इलाका है और ये बहुत बड़ा इलाका है। ये राप्ती नगर के अंदर जो विद्युत सब स्टेशन है वो भी पानी में चला गया है। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। गोरखपुर से जो बनारस की कनेक्टिविटी लेन है वो पूरा का पूरा गड्ढे में है, 150 किलोमीटर गड्ढे में है, एक दो नहीं 150 किलोमीटर। और मैं दूसरी बात बता दूं कि भाई देखिए कीर्ति जी, आप आवाज उठाएं, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप उठाएं, आप मुझसे प्रश्न कीजिए, क्योंकि आप प्रश्न कीजिएगा तो आपके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगेंगे, जैसे भारत न्यूज पे पड़ रहा है, जैसे दैनिक भास्कर पे पड़ रहा है, जैसे ब्रजेश मिश्रा जी के यहाँ पड़ रहा है, जैसे वीरेंद्र सिंह को परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग पत्रकारिता कीजिए, वेतन उठाने की माफ कीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं मैं तो लूंगा, इसलिए लूंगा कि जब इन्होंने इन्होंने बकायदा छापा मारा है और अभी तक ये बता नहीं पाए कि कितने FIR दर्ज किए। और आप डर क्यों रही हैं? डरिए मत, आप नहीं उठा रही हैं ये कपीस से। मैं डरने वाले में से नहीं हूं कपीस। हिम्मत हो तो मुझे बंद करवा दें, मुझे हिम्मत हो, मैं योगी के गोरखपुर शहर से आता हूँ और पेशे से एडवोकेट हूँ, मेरे खिलाफ भी मुझको भी बंद करा, लेकिन मैं सत्य की आवाज उठाता रहूंगा। मीडिया जगत का या अपने पाँव में घुंघरू बना करके रखना चाहते हैं मीडिया के, तो वो हम लोग बर्दाश्त। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हमारे कमियां हर सत्ता में है, यही सवाल है कपीश जी। आपने कमियां तो गिनवा दी, मैंने सुन ली, लेकिन दिक्कत ये है कि हर सत्ता में काबिज आने से पहले वो यही कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर बात होगी। आप अपनी सरकार की बात करिए, आपने कहा घोषणा पत्र आएगा, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब कितनी कानून व्यवस्था दुरुस्त थी? बहुत 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 अच्छा सवाल आपने पूछ लिया जी। हमारी हमारी जो सत्ता व्यवस्था थी, जो हमारी कानून व्यवस्था थी, इनसे बेहतर साबित हुई है। NCRB के आप आंकड़े उठा ले, हीनियस क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर 7.05% बढ़ गया, भ्रष्टाचार के मामले 25% बढ़ गए, और जो आपके साइबर क्राइम के मामले हैं ये 35% बढ़ गए। मदिरा राज इन्होंने स्थापित किया, 7 विभिन्न कालों में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की संत की सरकार चल रही है, इसमें 7 मदिरा पान ऐसे हुए हैं जिसमें शहरीली शराब परोसी गई, इनकी आबकारी नीति भी स्पष्ट नहीं रही, उसमें 750 लोगों से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई। और आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि जंगल राज खत्म हो गया। अरे भैया, आपके आपके बकायदा जेलों के अंदर शूट आउट हो रहे हैं, और एक दो नहीं 3-3 हो रहे हैं। एक तो पहले हुआ मुन्ना बजरंगी का, आज तक नहीं पता चला कि क्या हुआ, और दूसरा अभी हो गया शूट आउट अपराधियों के बीच में, और ये अपने मंत्री को बचा रहे थे इसलिए उन्होंने दीक्षित को मरवा दिया, 24 कमरे बंद हो गए थे, ये क्या बताएंगे। और संगठित ये नहीं है, जिस तरीके से बलिया के अंदर इनके विधायक ने धर्मेंद्र सिंह को बचाया और भगाया, पूरे SP के सामने, जिलाधिकारी के सामने, कोटे का जो बंटवारा हो रहा था उसमें शूट आउट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें मृत्यु हुई कि नहीं हुई, और ये कहते हैं कि साहब ये तो बड़ी अच्छी सरकार चला रहे। अरे बैठ अपराधी और गुट अपराधी करना बंद कीजिए। आपके ही विधायक सुल्तानपुर के द्विवेदी जी, आपके ही विधायक हरदोई के बकायदा लिस्ट दे चुके हैं कि क्षत्रिय समाज के भी जो बड़े अपराधी हैं, ब्रजभूषण सिंह से लेकर तमाम। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं, मुन्ना बजरंगी से लेकर आपने तमाम वो बातें बता डाली कि किस तरह से कानून व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि अश्विनी जी बार बार कह रहे हैं कि आप सवाल करती हैं, ये करती है, लेकिन सत्ता में तो आप ही काबिज है अश्विनी जी, सवाल तो आप ही से किया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड तो आप ही को पेश करना है, इन तमाम जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कपीश जी ने उसके जवाब दीजिए। का काम सवाल करना है और हमारा काम जवाब देना है, बस मेरा एक निवेदन ये है कि जब मैं जवाब दे रहा हूं तो उस जवाब को पूरा सुना जाए, उसके बाद आप जवाब एक सवाल कर लीजिए तो मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि जवाब देने ही बैठे हैं और आप सवाल करने बैठी हैं।
तो मैं कपीर भाई का जवाब देता हूं। कपीर भाई जो इतनी धड़ल्ले से चीजों को गिनवा गए, मैं भी शुरू से गिनवा देता हूं। जिस दिन माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश में कितने थाने फूके गए थे, इनका उसका भी इतिहास इनके पास होगा। उसके बाद जैसे ही कुछ दिन आगे बढ़ा, अरे गिनवाइए ना, खाली कहने से नहीं चलेगा, गिनवा दीजिए। नहीं नहीं, सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए, गिनवाइए, हम गिनने के लिए बैठे हैं। सुन लीजिए, बोल लीजिए अश्विनी जी को। जी अश्विनी जी बोलिए। कैसे वो इतिहास है, और कहीं गूगल खोल के देख लीजिए कपीर भाई। अरे भाई, सुबोध सिंह की हत्या क्या हमारे शासनकाल में हुई थी? देखिए, सुबोध सिंह की हत्या किसने की थी, जिसको आप फूल माला से लाद करके आप जो है उनका स्वागत कर रहे थे, वो कौन थे? सुबोध सिंह की आपने भूल गए क्या हत्या? और उसी शिखर अग्रवाल की आप जवाब ले रहे हैं? अश्विनी जी बताइए, जवाब दीजिए। कपीर भाई, अगर जवाब नहीं सुनना हो तो मैं भी आपके बीच में फुकवा दिया था आपने। दो ही लोग कपीर जी, समय दे दीजिए अश्विनी जी को, जवाब दे दे। अभी मौका नहीं मिला, लेकिन ये है कपीर जी भाई, ये जीरा नहीं हो रही है भाई, वकालत जज नहीं है हम लोग, कम से कम फर्ज विपक्ष है। सुन लीजिए, थाने फूके जाने की घटना आप नकारते हैं, राम वृक्ष यादव को आप नकारेंगे, आप जो है जवाहर कांड नकारेंगे। फरवरी 2015 को लखनऊ का एक एक दिन का मैं आपको और कीर्ति जी को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा कि जानकीपुरम में किस महिला के साथ दुराचार करके हत्या की गई, कैंट में किस महिला के साथ दुराचार करके हत्या की गई, लालीबाग में किसके साथ दुराचार करके हत्या हो गई, 30 महिला पत्रकारों के साथ यौन अत्याचार किया था, उसके बाद जिसको आपके प्रधानमंत्री जी ने एक भी एफआईआर नहीं की। स्वामी चिन्मयानंद लड़कियों ने खेल वाली स्कूल मारे थे और पीड़िता जेल के अंदर है, और चिन्मयानंद स्वामी के चेले बताने चले। जनार्दन जी आप भी मानेंगे, ये हो जाती है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए ये एक दूसरे की ही पोल खोल देते हैं कि किसकी सत्ता में कितना विकास हुआ था, किसकी सत्ता की कानून व्यवस्था में कितना ज्यादा सुधार हुआ था। मुझे कुछ बताने की, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि दोनों की ही सत्ता में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त थी और कितने लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे। क्या कहना है जनार्दन सिंह, क्या लगता है आपको जो मैं बातें कह रही हूँ वो कहीं से गलत है? देखिए, सपा के कानून व्यवस्था और सपा के भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का तो समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सपा के सरकार में जो कमियां थी इसी वजह भाजपा को चुना गया, जनता ने भाजपा को अपना मत दिया और पूर्णता बहुमत से उसको सत्ता पे काबिज किया। तो चर्चा सिर्फ भाजपा के जो अभी कार्यकाल की उसकी होनी चाहिए, सपा में कुछ कमियां रही इसी वजह से जनता ने भाजपा को चुना है। आज सपा पर दोषारोपण कर भाजपा अपनी चीजों को बचाने के बजाय अपनी जो अच्छाइयां हैं उनको सामने रखना चाहिए। देखिए, ये मानने में भाजपा को कहीं भी, मतलब जो प्रवक्ता महोदय है उनको भी लगेगा कि भ्रष्टाचार और जो ये एक कानून व्यवस्था की जो बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये अभी पूरी तरीके से उसको सुधार नहीं पाए हैं, और ये प्रश्न विपक्षी भी उठा रहे हैं, जनता भी उठा रही है, और पत्रकारों का तो आप लोगों ने बिल्कुल, मतलब हम लोग तो साइडलाइन, हम लोग कुछ भी कहेंगे तो वो एक प्रवक्ता बन जाते हैं। तो ये चीजें एक रेड अलार्म की तरह हैं, चुनाव सामने हैं, दो चीजों पर जरूर इसको देखना पड़ेगा कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त सरकार का वादा किया था, आज की स्थिति तक ये चीज पूरी नहीं हो पाई है। एक बड़ी घटना होती है, उसके बाद में 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते उस पर कार्रवाइयां होती हैं, बड़े बैठकें होती हैं, बड़े ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और फिर इंतजार होता है दूसरी बड़ी घटना का, उस पर कार्रवाई करने, जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर एक बड़ा प्रश्न उठाई दिखाई देता है। लगातार ये बोला जा रहा था अधिकारी ही नहीं सुनते हैं इनकी पार्टी की, उसके बाद से अब तबादलों का दौर शुरू हो गया है कि अब चुनाव नजदीक है तबादले करने जरूरी है, तो वो भी सामने आने लग गया है। हालांकि सवाल करना जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि जनता जानना चाहती है कि उनके विकास के लिए, जो उनके विकास के मूलभूत सुविधाएं हैं, वो कौन किस पर विश्वास करे, किसको लेकर आए, क्योंकि लगातार अब बातें होने लग गई है, जाति की ओर मुड़ गया है, विकास की कोई बात नहीं कर रहा है, मूर्तियां बनवाने की बात हर जगह हो रही है। कपिल जी, आप भी ये मानेंगे परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की बात करी है, लेकिन उसमें हॉस्पिटल या फिर अगर हम स्कूल की बात करें तो वो किसी के मुंह से नहीं निकलता, ऐसा क्यों? कीर्ति जी, बहुत अच्छा आपने कहा, अब तो मूर्ति सभ्यता में विश्वास ही नहीं करते, और आदर्श किसे, अगर किसी का आदर्श बड़ा है तो उसकी मूर्ति छोटी या बड़ी बनवाइए, उसको प्रतीकात्मक चीजें,
और उसकी जगह हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, उसकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें होनी चाहिए। अब आपने बात भगवान श्री परशुराम जी की, मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हो या पवन पांडे जी हो या तेज नारायण पांडे जी हो, इन लोगों ने क्योंकि एक परशुराम ट्रस्ट बना रखा है, उस ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण किया जाना, पार्टी के द्वारा नहीं किया जाना। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई सामाजिक कार्य हो रहा है, अगर कोई ऐसा आध्यात्मिक कार्य हो रहा है और कोई ट्रस्ट हमारा साथ लेना चाहता है तो बिल्कुल हम लोग उसके साथ खड़े। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये श्री भगवान श्री परशुराम ट्रस्ट के द्वारा इन मूर्तियों का लगाया जाना तय किया गया है, इस पर पैसा भी वही लोग खर्च कर रहे हैं, इस पर ट्रस्ट का पैसा खर्च हो रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी का नहीं हो रहा है, किसी शासन सत्ता का पैसा खर्च नहीं हो रहा। लेकिन जो मूर्तियों में 3,000 करोड़ रुपए लगाए गए उसके अंदर 10 एम्स बन चुके थे, बन सकते थे, 15 एम्स मोदी जी ने ऐलान किया जिसमें कि 3% ही धन अब तक दिया गया है, किसने के पास अपनी भूमि नहीं है, कितने पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, कितने ओपीडी खाली ही खोल सके हैं और कितनों के पास अपनी कोई पढ़ाई नहीं है। तो वो एम्स पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये भटक गए मार्ग, ये महापुरुषों की लड़ाई लगवाने में लग गए। अगर ये विकास में ध्यान दिए होते तो आज कोरोना काल में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। आज हमारे मित्र को कोरोना काल में बढ़ाई लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद का सहारा लेना पड़ा। आप खुद सोचिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा रहा है, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट आईना दिखा रहा है, आपको दिल्ली हाई कोर्ट आईना दिखाया, आपको मद्रास हाई कोर्ट ने आईना दिखाया। एक एक हाई कोर्ट ने कह दिया आप जिनोसाइड कर रहे हैं, दूसरे हाई कोर्ट ने कह दिया आप हत्या कर रहे हैं, तीसरे हाई कोर्ट ने कह दिया भगवान राम भरोसे है, उन्होंने भी घोषणाएं कर दी है कि मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे वो। खुल गया है ना अश्वनी जी? नहीं, लेकिन आप देखिए अभी देवरिया के अंदर मेडिकल कॉलेज देवरिया में निरीक्षण करके और इन्होंने आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर खोलने की बात कही थी और 1,000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया था, लेकिन अभी तक भूमि नहीं है आयुष विश्वविद्यालय के लिए। अब आप सोच लीजिए कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। इनका काम है मुंह से हल्ला कर देना, बन करके कितने खड़े हो गए, कितने इन्होंने जो है जनता को लोकार्पित करा दिए 5 सालों में, या इनको मालूम है कि 50 साल तक ये करते रहेंगे या इनकी सरकार करेगी। कि क्या विकास के मुद्दों पर चर्चा के अलावा क्या वाकई कोई ऐसी पार्टी आएगी जिसे सच में विकास के मुद्दों से मतलब होगा जनता के, कि हाँ सच में ये मूलभूत सुविधाएं क्या है, ये तो आज बड़ा है। अश्वनी जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी, जो आरोप लगाए हैं लगातार कपिश जी ने, उस पर क्या जवाब है आपका? मैं यही जवाब देना चाहता हूं, इन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात की है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 30 जो है मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं जिसमें 9 का उद्घाटन 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज देवरिया में अभी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहां पर भाषण दे रहे हैं, सलेमपुर में वो बन रहा है, देवरिया में बनकर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन 30 तारीख को होना है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देना हमारा लक्ष्य है, जिसमें हम 30 लगभग 9 बना चुके हैं, उसको हम लोकार्पण कर रहे हैं, बाकी का जो है हो सकता है 4-5 महीने के अंदर हम लोकार्पित कर देंगे उसको। 2 एम्स की बात हमने उत्तर प्रदेश में की है और आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ ओपीडी 2 साल पहले से चालू है, उसको भी झुठला सकते हैं। डॉक्टर्स की सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे उन हॉस्पिटल्स में? डॉक्टर्स की भी कमी है भारत में। डॉक्टर्स की कमी है तो मैं तो बोलने जा रहा हूँ, जब मेडिकल कॉलेज बनेगा आपके यहाँ, जब मेडिकल कॉलेज में बनेगा तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होगी, वो जब पढ़ाई होगी तो हर मेडिकल कॉलेज में खाली है। डॉक्टर पढ़ेंगे कीर्ति जी, वो डॉक्टर पढ़ाने के लिए ही 30 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वो डॉक्टर कहीं से आयातित नहीं होते, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होगी। आपने वैकेंसी निकाली है, इनकी बात में सुन रहा हूँ जो बोले चले जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा पहले का तो जवाब सुन ले, बीच बीच में पेट में दर्द क्यों होता है भाई, बौखला क्यों रहे हैं आप? पहले 30 में जाइए, अगर इलाज कराना हो तो फैजाबाद चले जाइए, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज में इलाज करा लीजिए, अगर मानसिक या शारीरिक दर्द हो तो गोरखपुर चले जाइए, हई है इंसेफ्लाइटिस लगाने वाले एम्स, वहाँ ओपीडी 2 साल पहले से चालू हो चुकी है, सलेमपुर वाला अभी मैंने कहा माननीय योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे रहे हैं 9 हम खोल रहे हैं, इसमें बच्चों की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टर भी बढ़ेंगे, उससे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। दूसरा आते हैं हाईकोर्ट की बात की,
हाई कोर्ट ने तो अगली शासन काल में बढ़ेंगे क्योंकि तीन महीने बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी और हम लोग भी बांट निकल पाएंगे न कोई भर पाएंगे। किसको झुंझुना थमाना चाहे मीडिया जगत के लोगों को आपने को अंडा या उत्तर प्रदेश की जनता को आपने बेवकूफ समझ लिया। उस बेहतरी में जो है हमको WHO को भी हमने मैनेज कर लिया बता दीजिए। वो तो प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि मैनेज कर लिया, कहा कि वो तो बता रहे थे कि चीन ने WHO को मैनेज कर दिया आप लोग और WHO की बातों पर भरोसा नहीं करती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है अश्वनी जी और कपिल जी, ठीक है ठीक है, सबके अध्यक्ष की तो ये हिम्मत नहीं थी कि मुख्यमंत्री रहते मेडिकल कॉलेज खुलेंगे फिर उसमें पढ़ाई के लिए भी लोग आएंगे उसके बाद नियुक्तियां भी हो जाएंगी हमने बिल्कुल मान लिया। जनार्दन जी आपका क्या कहना है, अभी जो एंगल घूमा हुआ है और नई स्ट्रेटजी के तहत जो तमाम पार्टियां काम कर रही हैं कि कोई दलित वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है, कोई ब्राह्मणों को खींचना चाह रहा है, कहीं कहीं ये भी बात हो रही है कि किसी पार्टी से ब्राह्मण नाराज भी है, तो क्या लगता है जो पार्टियां अब ब्राह्मण वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है तो क्या ब्राह्मण वोट झटकेगा क्योंकि नाराजगी दिखाई पड़ रही है। देखिए केदी जी, सबसे पहले तो मैं इशारा करना चाहूंगा जो हमारे साथ सपा महोदय हैं, सपा प्रवक्ता महोदय, उन्होंने एक चीज बोली कि उनके जो पार्टी के कुछ नेता हैं उनके ट्रस्ट से एक मूर्ति की स्थापना की जा रही है। साथ ही उन्होंने जो दूसरी मूर्ति बनी है जो भाजपा ने बनवाई उसकी बुराइयां भी काफी करी और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठाए। तो ये जो दोहरी नीति है वो एक तरफ मूर्तिवाद, मूर्ति से आपको लगाव नहीं, दूसरी जो भी हमसे बनाना चाहता है हम उसके साथ खड़े हुए हैं लेकिन उसके साथ नहीं खड़े हुए हैं जो दूसरे ने बनाई है। तो यहाँ पर ये जनता भी समझ रही है और ये सभी को समझ में आ रहा है कि ये जो वोट की नीति है, आप एक पत्रकार हैं, सुन ले, अब आप सुन ले, आपकी बात नहीं हमने सुनी, कपिल जी पूरी तो हो जा रही दीजिए, नहीं एक छोटा सा जवाब दे दें अपने मित्र को क्योंकि आप पत्रकार हैं इसलिए देना जरूरी है। 3,000 करोड़ रुपए का मालूम है कितना का मूल्य, फिर तो पैसे का मुद्दा हो गया ना कि इन्होंने 300 करोड़ लगाए, उन्होंने 3,000 करोड़ लगाए, उन्होंने 30 रुपए की मूर्ति बनाई, बात तो विचारधारा की होनी चाहिए कपीश जी, विचारधारा की बात पे बात आइए ना, दोहरी नीति जो है विचारधारा की है। अगर कोई 300 रुपए बनाता है, कोई 3,000 बनाता है, 3,000 करोड़ की बनाता है, कपीश जी विचारधारा की जो बदलाव, आपने जो जवाब दिया उसी पर वो कह रहे हैं ना कि किसने कितने की मूर्ति बनाई ये जरूरी नहीं रखती, किसने कितने की मूर्ति बनाई ये जरूरी है कि मूर्ति कौन बना रहा है, क्यों मूर्ति की राजनीति होती चली आ रही है, या आप मूर्ति बड़ा लगाए उससे किसी के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, वो व्यक्ति तो ये चीज आप अपने पार्टी के नेताओं से आपने ये चीज चर्चा की क्या, यही मेरी पार्टी करती रही लेकिन किसी ट्रस्ट की जिम्मेदारी हमारी पार्टी नहीं लेती। अखिलेश यादव से पूछिए क्यों लगवा रहे हैं भाई, अभिषेक देखिए उनका जनार्दन जी साफ कहना है कि अभिषेक मिश्रा जी ने घोषणा की है वो अपने ट्रस्ट से वो मूर्ति बना रहे हैं, हम फायदा जरूर ले लेंगे साथ में खड़े होके, लेकिन उसमें पैसे देखिए हमारे नहीं लग रहे, चाहे नीचे से पैसे चले जाए वो बात अलग है, बात की बात है, ठीक है समाजवाद का, ठीक है नाम समाजवाद और बात करेंगे जातिवाद की, परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे वो अलग है, निकाल लीजिए भगवान श्री राम को, ये जातिवाद का केंद्र बता रहे हैं, निकालिए ना ये भगवान श्री राम को ब्राह्मणों के देवता, खाली ब्राह्मणों का देवता बता रहे हैं, देख लीजिए ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे भाई कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी, भगवान भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान श्री परशुराम भी, भगवान श्री राम भी, भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान श्री वामन देव भी, और जो कलयुग का कालिका अवतार होगा वो भी विष्णु का ही अवतार होगा, क्यों आप भगवान को पटना कहते हैं, क्यों आप हनुमान जी की दलित जाति बताते हैं, क्यों आपने जातिवाद करना शुरू कर दिया, आप हनुमान जी की भी जाति बता दिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आप हिंदू देवी देवताओं का विभाजन कर रहे हैं, आप उनको जाति में बांट रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, ठीक है अश्वनी जी और कपिल जी शायद अब तो मुझे ये लगता है मूर्तियों से आप सीधे भगवान ही उतर के आएंगे इस बार चुनाव में नैया पार लगवाने के लिए, किसके राम किसके परशुराम ये तो डिसाइड हो जाएगा 2022 के चुनाव में। जनार्दन जी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मैंने बात की थी वोटर्स की, ब्राह्मण वोटर्स क्या झटकेंगे इस बार? देखिए कीर्ति जी, अब
जनता जो है वो इतना समझ चुकी है कि सिर्फ चुनाव के वक्त जो लोग जातियों को याद करते हैं, जो सम्मान करने लगते हैं, जो मूर्तियां बनवाने लगते हैं, जो ऐसी संगोष्ठी करने लगते हैं, तो ये उस संगोष्ठी में लोग जरूर आते हैं, लेकिन वो लोग जो है वोट में तब्दील होते हैं ये भी हम लोगों ने काफी पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अभी जनता जो है वो महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर, इस पर बात करना चाहती है, और जब इसको भ्रमित करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे तो वो जनता अपना जवाब देना भी जानती है, और ये देखा भी गया है लोगों ने उस चीज को, अगर आप उसको पॉलिश करके सामने प्रस्तुत करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा उसमें। और यही चीज है कि चुनाव के वक्त आप दूसरी तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। अभी जो महंगाई का मुद्दा है, जो रोज एक एक घर में एक जो भोजन बनता है उसका मुद्दा जो बन रहा है, वो चीजों पर जो अगर बहस हो, उस पर बात हो, तो वो ज्यादा रिलेवेंट है इन चीजों पर। नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो फिर कोरोना काल में महंगाई बढ़ रही है जनार्दन जी, जो 70 रुपए पेट्रोल के लिए सड़कों पर उतर आए थे, जिन्होंने प्रदर्शन किया था, उनके लिए तो कोरोना काल एक आड़े आ गया है कि भैया कोरोना की वजह से 101 पेट्रोल पहुंचता जा रहा है। जनता देखेगी अपने हिसाब से, जेब में पैसा नहीं है लेकिन जनता देख लेगी। क्यों अश्वनी जी, सवाल करेंगे तो बुरा लग जाएगा आपको। जो हमको लग रहा है कृति जी आप बुरा मान गई हैं, मगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें। बिल्कुल मैं बुरा मानूंगी, आप पे प्रवक्ता बोल दिया, आप तो बुरा मानना ही होगा ना। नहीं, अगर अगर बीच में बोलेंगे तो प्रवक्ता है आप, अभी भी मैं कह रहा हूँ बीच में, अगर देखिए सवाल का जवाब अगर नहीं सुनेंगी तो आप प्रवक्ता हैं, बाकी तो आप सवाल करने के लिए बैठी हैं वहाँ, तो इसलिए अगर आपको बुरा लगेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। ये तो मेरा दायित्व है, लेकिन अगर आप जनता की आवाज उठाने पे अगर आप प्रवक्ता बोल देंगे तो बुरा तो मानेंगे ही। ठीक है, आप जवाब दीजिए। जनता की आवाज सिलसिलेवार उठाइए, सम्मान है आपका और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप तो चौथे स्तंभ है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, बताइए ना फिर, 101 पेट्रोल, जेब में पैसा नहीं कैसे ले पेट्रोल, पेट्रोल खरीदे कहाँ का, किस पेट्रोल तो जेब में पैसा नहीं है ना, कैसे खरीदे पेट्रोल, यही तो सवाल है। एकदम आप रोजगार, उत्तर प्रदेश में रोजगार सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, हमने 6.5 लाख से ऊपर रोजगार दे, सरकारी नौकरी दे दी हमने, जो है लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर हमने MSME में नौकरियां दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने तो खजाना खोल रखा है अपना, जो यहाँ के लिए जितने हमारे प्रवासी जो है श्रमिक आए उसमें स्किल मैपिंग किया हमने, स्किल मैपिंग करके उनको मनरेगा में लगाया, MSME में लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क चल रहे हैं उसमें लगाया, तो हमने तो लोगों को रोजगार और नौकरियां देने का काम किया। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, 2 लाख नौकरियां दिया सपा सरकार ने, 90,000 दिया बसपा की सरकार ने, हमने तो 6.5 लाख नौकरी दे दी है, और अभी दिसंबर तक कम से कम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जो है जिससे ये होगा कि हाँ नौकरियां कितनी हमने दी वो हमारे नाम रिकॉर्ड होगा, इतनी नौकरियां किसी ने नहीं दी होंगी। हमने आज मैं बता रहा हूँ, अभी मेडिकल कॉलेज पर सब लोग हंस रहे थे, आपने भी कहा कि डॉक्टर कहाँ से आएंगे, 12 मेडिकल कॉलेज से 2016 तक। सवाल किया था अश्विनी जी, आप बुरा मान रहे हैं, मैं तो सवाल किया था कि डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर देंगे क्या, मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, मैंने तो सवाल किया था। कीर्ति जी जवाब सुन लीजिए, 12 मेडिकल कॉलेज थे 2016 तक उत्तर प्रदेश में, और आज 14 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो चुकी है, 9 का उद्घाटन हो रहा है, 14 की स्वीकृति हो चुकी है, ये हमने काम किया है, और 9 का जब उद्घाटन हो जाएगा तो उसमें बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद निकलेंगे भी, एक दिन में डॉक्टर नहीं निकलते हैं, टाइम लगता है। बिल्कुल एक दिन में नहीं निकलते, लेकिन सवाल तो यही था जनार्दन जी, अश्वनी जी के सवाल आपने अच्छे से जवाब सुने होंगे आपने, कि उन्होंने किस तरह की कहा कि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, हमने इतनी 6 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी, और दिसंबर तक हम और भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं जाइए खरीदिए, पैसा तो हो गई क्योंकि हमने नौकरियां दी हैं, तो जवाब ये था, आप संतुष्ट हैं क्या इस जवाब से? देखिए मेरा और आपका संतुष्ट होना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता जो सड़कों पर है, जो जनता की समस्याएं हैं बढ़ती जा रही हैं, और वो रोष दिखाई दे रहा है, वो एक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है, और उनको भी ये स्वीकृति से ज़्यादा जो सामने जो चीज़ें दिख रही हैं उनकी वो ज़्यादा आवश्यकता है, और सबसे जो आधारभूत चीज़ है कि राशन मिलना, और जो जो राशन में जो जो रोज़ की रोज़मर्रा की चीज़ें जिनके पैसे बढ़ चुके हैं, आप देखिए तेल के ही हो या सिलेंडर का हो या फिर कोई भी दूध का हो, हर चीज़ में जो बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें सरकार को अभी भी अपनी चीज़ों को संभालने की आवश्यकता है, और विपक्ष इसमें चीज़ों को इन चीज़ों को फोकस करने की बजाय फिर वही जातिगत राजनीति की तरफ ले जाती है चीज़ों को, जब चुनाव आने को होते हैं, तो इससे
ना सरकार का भला होना है ना विपक्ष का भला होना, जनता को जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, जो उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो उनके भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो उनसे जो रोज की चीजें हैं, उन पर बात करें तो ज्यादा सार्थक रहेगी। दिक्कत यही है ना जनार्दन जी, जब इन पर बात आती है तो बातें पिछली सत्ता में चली जाती है कि भैया उनका करा अभी तक हम पाट रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि जनता कितनी परेशान है, कितनी बेबस हो चुकी है, कितनों ने अपनी जिंदगी गवाई है। एमएसएमई सेक्टर की जो बात कर रहे हैं उसमें कितने छोटे बिजनेसमैनों ने अभी तक अपने दुकानों को बंद कर दिया इस वजह से, क्योंकि कोरोना महामारी ने उनको किस तरह से बेहाल कर दिया है, ये जमीनी सच्चाई है, ये कोई समझने को नहीं तैयार है। पेट्रोल डीजल के दाम कहां बढ़ते जा रहे हैं, जनता कहां से दे। गजब सवाल करती है कीर्ति जी, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को परेशान किया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश को तो उसमें कुछ तो राहत दीजिए अश्वनी जी, मेरा सवाल ये है। एकदम राहत दे रहे हैं, राहत पे ही काम कर रही है सरकार, और उत्तर प्रदेश में रहकर, उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करके और उत्तर प्रदेश का ये हाल देखकर, अगर उसके बाद भी अगर आप कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश का कोई माय बाप नहीं है। आप लोग जो चाह रही है वो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उसको आगे ले आइए, काम की अच्छाइयों को ले आइए, सिर्फ कमियां गिनाने से काम नहीं चलेगा। अपराध मुक्त अगर योगी जी ने बनाया है तो उसको आप लोगों को मानना पड़ेगा कि योगी ने अपराध पर काम किया है, और अगर हम रोजगार दे रहे हैं तो अपराध पे काम हम मान रहे हैं, एनकाउंटर सबसे ज्यादा आपकी सरकार में हुए हम मान रहे हैं, अच्छाइयों को हम बिल्कुल लेकर आते हैं, पक्षपात की राजनीति करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, यहाँ पत्रकार है और पत्रकार निष्पक्ष होता है। अश्वनी जी हमारा मुद्दा ये नहीं होता आपसे सवाल करने का कि हम आपकी अच्छाइयों को नहीं ला रहे हैं, लेकिन सबसे होती है मेन कमियों को दूर करना, उन कमियों को उजागर नहीं करेंगे तो वो दूर नहीं होंगी। ठीक है कपिल जी, मैं आप पर आती हूँ, क्या ये मुद्दे जो लगातार कहे जा रहे हैं, ठीक है जनार्दन जी आपको क्या लगता है, ये जो मुद्दे बार बार ये कहते हैं कि अच्छाइयों को लेके आए, लेकिन अगर हम कमियों को नहीं गिनाएंगे और हम जनता की वो मजबूरियों को जिस पीड़ा से आज वो गुजर रहे हैं अगर हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उनकी आवाज बनेगा, और जरूरी हो जाते हैं विकास की जिस बात होती है, क्या वो विकास के मुद्दे वाकई आपको दिखाई पड़ते हैं, और 2022 के चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी को जिस तरह से ऑफर दिया है ओवैसी ने, उनके साथ जाने की आपको लग रहा है कोई आसार है, या फिर ओवैसी एक बार फिर से बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएंगे? जी कीर्ति जी, सबसे पहले इस बात पर हमें बात करनी चाहिए कि देखिए जो राजनीति में जो बदलाव आया है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी और उस समय आरोप प्रत्यारोप होते थे, एक दूसरे पर कठोर से कठोर आरोप लगते थे, सरकार उन्हें सुनती थी और जवाब देती थी, आज तो उस पर एक्शन लेने की एक प्रवृत्ति आ गई, अगर कोई पत्रकार उस पर बात करता है, अगर हम लोग सुनाते हैं तो पहले आरोप कर दिया जाता है कि आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप कहीं ना कहीं से, और अब तो काफी आगे बढ़कर चीजें आगे जिनको कहना उचित नहीं है यहां पर, लेकिन ये चीजें हमारा जो काम है, हम तो इन चीजों को उठाते ही रहेंगे, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाने का ही कार्य हमारा है, और वो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार जो अपना रिपोर्ट कार्ड देती है, सरकार का कहना है कि उन्होंने अपराध मुक्त बना दिया है, तो वो जो घटनाएं हैं वो इनके लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि जेल में किसी को शूट आउट हो जाता है, उसके बाद कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, ये जो घटना है, जो एकदम पॉश एरिया है, जो एकदम सिक्योर्ड एरिया है सिटी, कैपिटल सिटी में, वहां पर इतना बड़ा शूट आउट हो जाता है, 35-37 राउंड फायर हो जाता है, और उसके बाद भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बात की जाती है, ये है लॉ एंड ऑर्डर ना आजकल जनार्दन जी। और तो अगर इन घटनाओं पर आपका प्रश्न चिन्ह है, ये घटनाएं आपको जवाब देनी चाहिए, इनको कैसे आप वो करेंगे इसकी बात करनी चाहिए। बड़े अपराधियों को आपने जेल में डाला, उसका तो आपको जो बिल्कुल श्रेय मिलता है, बिल्कुल उसकी बात की तारीफ होती है, लेकिन जो बाकी अपराध हो रहे हैं, मुन्ना बजरंगी को जेल में क्यों मार दिया गया, ये भी सवाल उठेंगे कि कैसे इस तरह की कृत्य हो जाते हैं और आप जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो सवाल उठेंगे। लेकिन अश्वनी जी आपने एक बात बहुत अहम कही है कि दिसंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी लखनऊ की सड़कें, और जहां तक बात है विपक्ष का संगठित होने की, बिल्कुल मैं इसीलिए आपसे दोबारा प्राइम टीवी पर ये बड़ी बात कह रहे, और मैं दिसंबर के बाद आपसे यही आप एक बार फिर से आपसे सवाल करूंगी। जरूर जरूर जरूर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से लगातार विकास के वादे तमाम होते हैं, विकास की बातें तमाम होती हैं, लेकिन चुनाव आते ही राजनीति में मोड़ आ जाता है जाति का, और साथ ही साथ इस चुनाव में जिस तरह से 2022 का चुनाव इतना दिलचस्प होता जाता है कि
छोटे दल जो है वो अपनी मजबूती दिखा रहे हैं और शर्तें रख रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि क्या बड़े दल इनके साथ जाते और इनकी शर्तों के आगे झुकते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम डिबेट।